नाम तो सुना ही होगा। ठीक है बेटा, तो फंक्शंस क्या है बेसिकली? उसका रिलेशन रिलेशन से है। ठीक है बेटा, हाँ जाओ। तो फंक्शन का रिलेशन किसके साथ है? रिलेशन के साथ। ये फंक्शन एक्चुअल में होता क्या है? एक स्पेशल रिलेशन है, खास रिश्ता आपके लिए प्रस्तुत है। एक खास रिश्ता। देखते हैं तुम में से कोई सास बहू के सीरियल। क्यों रोहन, सास बहू के सीरियल नहीं? हर्षल किसे पसंद? ऑनलाइन ऑनलाइन किसी को सास बहू के सीरियल पसंद है? हाँ, सात बहू नहीं, सास बहू बेटा, मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ। देखते तो सात बहू नहीं बेटा। एनीवेज, तो उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है बेटा। फंक्शंस क्या चीज है बेटा? फंक्शन एक्चुअली फंडा क्या होता है? पहले तो एक चीज बता दो, जैसे कि फंक्शन इज व्हाट हम बोलते हैं, y इज इक्वल टू f ऑफ x। ये देखा है आपने, है ना, बहुत जगह। बेसिकली फंक्शन में क्या होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब क्या है बेटा? कुछ नहीं है कि y की वैल्यू x पे डिपेंड करती है। तुम x चेंज करते रहो, y बदलता रहेगा। जैसे मैंने तुम लोगों को एक एग्जांपल दिया था ना, एक मशीन का, मशीन के अंदर आप डालो। आजकल ऐसे तो बहुत सारी आने लग गई, मॉल में चॉकलेट्स भी ऐसे आजकल आप कर सकते हो। पेंडोरा बॉक्स बोलते हो क्या, पता नहीं, जो भी है। तो यू डालो, यू पुट नाउडेज चॉकलेट चिप्स सब कुछ, ह्यूमन डिपेंडेंसी खत्म कर दी है। ठीक है, सो दिस इज गॉट अ फंक्शन। बट फंक्शन का रिलेशन के साथ क्या रिलेशन है? एक रिलेशन फंक्शन कब बन जाता है? एक रिलेशन फंक्शन कब बन जाता है? तो एक मैं चीज लिख रहा हूं, व्हेन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर यूनिकली रिलेटेड टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, इन दैट रिलेशन becomes a function। क्या मतलब लिखा है इसका? जो सेट ए के एलिमेंट्स यूनिकली सेट बी के एलिमेंट्स से रिलेटेड है, लाइक फॉर एग्जाम्पल 1 3 5 7 2 4 9 8 5। अगर 1 4 से रिलेटेड है तो 1 4 से यूनिकली रिलेटेड है। 1 का रिलेशन और किसी एलिमेंट ऑफ सेट बी से नहीं होगा। अगर होता है तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो रिलेशन हो सकता है, रिलेशन हो सकता है ना, 1 9 से रिलेटेड, 1 2 से रिलेटेड हो सकता है, वो रिलेशन हो सकता है। बट अगर 1 सिर्फ 4 से रिलेटेड है तो इट्स अ फंक्शन। ऐसे सेट है कि सारे एलिमेंट 3 भी आप देख सकते हो, सिर्फ 9 से रिलेटेड है, 5 सिर्फ 5 से रिलेटेड है, 7 सिर्फ 5 से रिलेटेड। सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी से यूनिकली रिलेटेड होने चाहिए। इट इज नॉट मैंडेटरी कि सेट बी के यूनिकली रिलेटेड हो सेट ए।
यहाँ पे तुम देखोगे सेट बी का एक एलिमेंट 5 है, वो इस 5 से रिलेटेड भी है और 7 से रिलेटेड, कोई बात नहीं चलता है, तो खुली छूट। पर यहाँ खुली छूट नहीं है, यहाँ यूनिक रिलेशन होना चाहिए इन यहाँ के एलिमेंट्स का इनके एलिमेंट्स के साथ। सेट ए के सेट बी के एलिमेंट्स के साथ यूनिक रिलेशन होगा तो वो क्या कहलाएगा, फंक्शन। बहुत बेसिक फंडी चीज फंडा है इसका, ये आपको पता होना चाहिए। डोमेन रेंज और कोडोमेन तो मैंने कल भी बताया था, डोमेन रेंज कोडोमेन याद है ना, क्या है क्या है इसमें डोमेन? हाँ पूरा सेट ही आ जाएगा डोमेन। रेंज 4, 5 और 9, कोडोमेन पूरा पूरा सेट भी। तो एक चीज आप हमेशा देखिए, रेंज विल ऑलवेज बी सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज हमेशा कोडोमेन का सबसेट होगा, ये याद रखिएगा। कोडोमेन के इक्वल हो सकता है पर हमेशा सबसेट रहेगा। तो सी व्हेन वी टॉक अबाउट फंक्शन ऑटोमेटिकली ग्राफ आ जाता है पिक्चर में। क्यों? ये जो देख रहा हूँ ना वाई और एफ एक्स, तो हर एक एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ वाई है, हर एक एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ वाई। तो ऐसा है तो तुम एक्स और वाई को कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट कर सकते हो, है कि नहीं? कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट हो सकता है एक्स और वाई, हर एक एक्स के लिए वाई की कुछ वैल्यू है। तुमने वाई को जो एक्स स्क्वायर को प्लॉट किया कभी, याद है क्लास 10th में किया था? हाँ, तो आप लोगों को समझ में नहीं आया था उस टाइम, सर स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं बना रहे, मैम से पूछा होगा, उन्होंने बोला नहीं ये ऐसे ही जाएगा, तब तो समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, सो वाई इज इक्वल टू एफ एक्स कुछ भी हो सकता है फंक्शन, जहां पे ये एक्स है ये वाई है, एक्स एक्स दिस वाई एक्स। क्वेश्चन आता है ये कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है? फंक्शन के भी दो तरीके हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब क्या हो गया? नहीं वैसे ही स्मूथली आप पेन से ऐसे बना लो, दैट इज कंटिन्यूअस फंक्शन। एकदम लेमैन लैंग्वेज में बात करना चाहिए, ठीक है? हाँ माधी ना, हाँ माधी। तो अगर विदाउट लिफ्टिंग द पेन इफ यू आर एबल टू ड्रॉ द ग्राफ कंटिन्यूअस, हाँ सिंपल सी बात है ना, वो वैसे कंटिन्यूअस है नहीं है, कंटिन्यूअस है। पर अगर मैं ब्रेक मार दूं ना, एक इंटरवल उठा दूं, ए बी, अब इस पर्टिकुलर स्नैपशॉट में मैं बोलूं डोमेन क्या है ए से बी, क्योंकि हर वैल्यू ए से लिखा है बी तक, तुम जितनी वैल्यूज देख रहे हो वो सारी वैल्यूज के लिए कुछ ना कुछ फंक्शन की वैल्यू है। अब ए से बी में कोई भी एक्स की कोई भी वैल्यू उठा दो ए से बी के बीच, हाँ
एक्स की वैल्यूज में तुम्हें क्या देती है, डोमेन, वाई की वैल्यू क्या देती है तुम्हें, रेंज। याद रखना, वैल्यूज ऑफ एक्स डोमेन देता है और वैल्यूज ऑफ वाई रेंज देता है, ठीक है। वैल्यूज ऑफ एक्स विल गिव यू डोमेन, वैल्यूज ऑफ वाई विल गिव यू रेंज। कोड डोमेन तो डिपेंड करता है ना क्या फंक्शन डिफाइंड है उस पर, जरूरी थोड़ी है डिफाइन करना क्या है, कुछ दिया है मैंने फंक्शन कहीं, कुछ जरूरी जरूरी है। तो डोमेन क्या आ गया बेटा इसमें, ए से बी, और रेंज बोलेंगे तो ये ए के कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ तो वैल्यू आएगी। मान लो ये वाई को जो एफ एक्स है, एक्स को ए रखोगे तो वाई क्या आएगा, एफ ऑफ ए, सिमिलरली ए क्या आएगा, एफ ऑफ बी। रेंज याद देगी बेटा, ये एफ ऑफ ए से एफ ऑफ, दिस पर्टिकुलर लाइन जो है ना यहाँ पे, इस लाइन पे जितनी वैल्यू आएंगी वो आपका क्या होने वाला है, रेंज होने वाला। समझ आई बात, और ये पर्टिकुलर आएगा डोमेन, क्लियर है। मिटा दूं ये लिख लिया,
जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसके लिए फंडामेंटल आपके सेट करता है कैलकुलस के लिए। जो आप ग्राफ आप बनाना सीखेंगे ना इसमें, बहुत इम्पोर्टेंट हो। एडवांस क्वेश्चन तुम्हारे उसी से होंगे, कई सारे क्वेश्चन। इसलिए कैलकुलस, सॉरी कैलकुलस बोलते हैं, स्टार्ट यहीं से होती है फंक्शन। लिमिट्स में एक दो चीजें यूज होती है। अभी सब आएगा, सिग्नम, ग्रेटेस्ट इंटीजर, मॉडुलस, सब आएगा अभी। कॉम्पोजिट, इनवर्स, थोड़ा बहुत आएगा, आएगा ना, क्यों नहीं आएगा मॉडुलस। नहीं, मैं कर दूंगा, 5 दिन में खत्म कर दूंगा चैप्टर। एक महीने में तो इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा अपना। क्या 10 भी ज्यादा बोल, 5-6 दिन में कर देंगे। हो गया, चिंता मत करो, अभी पढ़ते रहो। बोलता तो रिजल्ट्स देखो। एफ एक फंक्शन है जिसका डोमेन है d1, g एक फंक्शन है जिसका डोमेन है d2। नाउ अगर मैं बोलूं एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ इंटू जी, फंक्शंस को ये क्या क्या मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई प्लस माइनस, तो ये सब लोगों के क्यों चाहे जो डोमेन्स हैं वो कैसे डिफाइंड है, इन सब के डोमेन्स आएंगे d1 इंटरसेक्शन d2। d1 इंटरसेक्शन d2 बोला है क्यों? क्योंकि हमें वो कॉमन एलिमेंट चाहिए जो दोनों के डोमेन में होगा। अगर समझो तुमने कोई ऐसे एलिमेंट उठा लिया d2 का जिसके लिए फंक्शन f डिफाइंड नहीं है, तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा? नहीं करेगा। इसलिए क्या लिया हमने, d1 इंटरसेक्शन d2। ये f प्लस d का मतलब क्या होता है, एफ एक्स प्लस जी एक्स, इसका मतलब क्या है, एफ एक्स माइनस जी एक्स। उसका थोड़ा सा अलग है एफ बाय जी का, विच इज एफ एक्स बाय जी एक्स। इसका डोमेन क्या आएगा, d1 इंटरसेक्शन d2 माइनस वो एलिमेंट्स जिसके लिए आपका जी एक्स क्या होगा, 0, माइनस दोज एक्स फॉर विच जी एक्स इक्वल टू 0। समझ में आ रही है?
जी एक्स जीरो, जहां जहां जिन जिन एक्स के लिए जी एक्स जीरो हो रहा है वो सारे माइनस कर देंगे हम डी वन इंटरसेक्शन डी टू से। डी वन इंटरसेक्शन डी टू से तुमने सारे पॉइंट्स उठा लिए जिसके लिए डिफाइन हो सकता है, तो उसमें से वो पॉइंट हटाने पड़ेंगे जिसके लिए जी एक्स जीरो हो। ऊपर प्रॉब्लम नहीं है वो चीज, नीचे प्रॉब्लम, क्योंकि तो नीचे डिनोमिनेटर में जीरो होता है। ठीक है, क्वेश्चन करो। डोमेन का फंडा एकदम इजी है, डोमेन का फंडा ये है भाई, फॉर दोज वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, दैट इज डोमेन। कितनी वैल्यू डालेंगे, हाँ गेन कितनी वैल्यू डाल सकते हैं, जो तेरे को डालने डाल दे, ये बता पहले। जीरो क्यों, जीरो हो सकता है ना, सबके लिए बताओ क्या क्या आएगा। माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी, तो तू पूछ रहा है ना बेटा रोहन क्या आएगा, सारे रियल वैल्यूज आएंगे, डी वन आएगा और रियल वैल्यूज, डी टू भी आएगा और रियल वैल्यूज, एफ प्लस माइनस बी का डोमेन क्या आएगा, और रियल वैल्यूज, और रियल वैल्यूज, माइनस जीरो बता क्या आएगा। एफ बाई जी में बेटा कौन सी वैल्यूज नहीं आएंगी जिसके लिए जी एक्स जीरो हो रहा है। देखो जी एक्स जीरो किसके लिए हो रहा है, ये दोनों वैल्यूज उड़ा दो, देख लो सब लोग यहाँ पे। एफ बाई जी क्या है, एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो एक्स क्या आएगा प्लस माइनस वन रूट। तो बेटा इनका डोमेन क्या आने वाला है, रियल वैल्यूज माइनस वन बाय रूट थ्री माइनस वन बाय रूट। ये बताओ, ये बेटा पहले का डोमेन क्या है, ऑल रियल वैल्यूज, दूसरे का डोमेन ऑल रियल वैल्यूज। अभी तो यहाँ पे मैंने बताया प्लस जी एफ माइनस जी एफ इंटू डी, उन सबका डोमेन क्या होता है, डी वन इंटरसेक्शन डी टू। यहाँ पे एफ प्लस माइनस जी एफ इंटू डी, इन दोनों का डोमेन क्या आएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन, रियल और रियल का इंटरसेक्शन क्या, रियल ही तो आएगा, इसका रियल इसका रियल। अब एफ बाई जी क्या है, एक्स क्यू प्लस टू एक्स स्क्वायर अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब इसका डोमेन क्या बताया था मैंने, डी वन इंटरसेक्शन डी टू,
ऑल रियल वैल्यूज माइनस उन एक्स को हटा देंगे जिसके लिए तेरा डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है। तो डिनोमिनेटर अगर जीरो हो रहा है उस एक्स के लिए तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने डिनोमिनेटर देखा जीरो कब हो रहा है, क्या किया हमने इधर देखा 3x² - 1=0, एक्स क्या आ गया +-1/√3। हाँ एक्स की वैल्यू 1/√3 और -1/√3 के लिए इस फंक्शन में डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, तो वो वैल्यूज उड़ानी पड़ेंगी अपने को। तो टोटल था रियल वैल्यूज, हमने वो दोनों वैल्यू उड़ा दी। हाँ भाई कहाँ है, आ गया, क्या है पहले का डोमेन क्या है? R-0 एफ ऑफ एक्स में भाई एक्स जीरो नहीं कर सकते आप, बाकी कुछ भी डाल दो, यहाँ पे एक्स वन नहीं हो सकता। सारा इसका इसका तो आएगा ना, R-, इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा, वही आएगा सही है ना, समझ में नहीं आया। आज में से तुम जीरो और वन उड़ा दो F/G ना, देख लेना F/G क्या है। F/G क्योंकि अभी क्या है हमारे फंक्शन मॉडिफाई हो गया, मतलब अभी आप डोमेन देखोगे तो क्या है R-0,1, ये तुम्हारा डोमेन था D1 इंटरसेक्शन D2। अब एक्चुअली अगर तुम देखोगे इसमें से ऑलरेडी वो वैल्यू आपने हटाई दी है जिसके लिए आपका नॉट डिफाइंड, बट क्योंकि ये X-1 है आप देखोगे 1 के लिए डिफाइंड आ रहा है, वो 1 के लिए डिफाइंड आ रहा है, तो क्या करेंगे 1 को इंक्लूड करेंगे नहीं करेंगे। हाँ ओरिजिनल फंक्शन में नहीं है इसलिए अभी इसको हम मॉडिफाइड फंक्शन में बोल सकते हो 1 डोमेन, बट हमने क्योंकि ओरिजिनल से उठा रहे हैं तो अभी हम इसमें यूज नहीं कर सकते, क्योंकि तो आप ऑलरेडी उड़ा चुके हो, 1 ऑलरेडी नहीं है, 1 ऑलरेडी ही नहीं है। ओके चलो आज हम यहीं पे रुक